16 जून 2013 ये वो तारीख है जिसने उत्तराखंड को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद ही कोई इसे दोबारा याद करना चाहेगा। 13 जून 2013 को आसमान से बरसी आफत ने केदार घाटी में बर्बादी के वो निशान छोड़े हैं जिन्हें मिटने में सालों लग जाएंगे, लेकिन अब केदार घाटी बदल रही है और यहाँ जिंदगी ढर्रे पर आने लगी है। साथ ही चारधाम यात्रा भी फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। कुदरत के दिए गए जख्मों के साथ सामंजस्य बैठाकर लोग फिर से जिंदगी के रास्ते पर चल निकले हैं, और इन सब में उनका साथ देने के लिए साई की तरह खड़े हैं बाबा केदार, जो आज भी चट्टान की तरह केदार घाटी में न सिर्फ विराजमान है बल्कि घाटी में तबाही का मंजर देख चुके लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और अगाध हो गई है। देखिए, वर्ष 2013 में जो आपदा आई थी, एक भीषण प्राकृतिक आपदा थी और ये शायद सदियों में ऐसी घटनाएं होती हैं, और जो आपदा पीड़ित हैं हम लोग तमाम लोग, वो शायद उनके मन मस्तिष्क से ये घटना विस्मृत नहीं हो सकती है। तबाही के बाद कितना बदला केदारनाथ। बाबा केदार धाम में 16 जून को कुदरत ने जो तांडव किया, उसे देश और दुनिया के लोग शायद ही कभी भूल पाएं। उस दिन चोराबारी और ग्लेशियर और गांधी सागर झील में आए पानी और मलबे के सैलाब ने सिर्फ हजारों लोगों को जिंदा दफन नहीं किया बल्कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी तबाह कर दिया। 2013 में हुई तबाही के बाद एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि शायद बाबा केदार की नगरी में दोबारा चहल पहल शुरू होने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन तबाही का मंजर दिखाने वाले बाबा ने ही लोगों को फिर से उठकर अपने पैरों पर खड़े होने की ऐसी प्रेरणा दी और सिर्फ 3 साल में ही बाबा का धाम फिर से आबाद हो गया। यहाँ लोगों के मन में घर बार और अपनों को खो देने का गम तो है, लेकिन सर उठाकर जीने का गजब का मादा भी है, और शायद यही कारण है कि 3 साल बाद केदार घाटी में आने वाले लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि यहाँ कुदरत ने विनाश की ऐसी होली खेली थी कि उसे देखने वाले कई लोग आज तक सामान्य भी नहीं हो पाए। केदार धाम की जमीन में दफन है हजारों लोग। आज भी बाबा केदार धाम में जमीन में हजारों लोग दफन हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि वक्त हर जख्म भर देता है, चलते रहने का नाम ही है जिंदगी, और इसका जीता जागता उदाहरण केदार धाम है, जहां इस बार कपाट खुलने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही जारी है बाबा के धाम को एक नया स्वरूप देने की मुहिम, ताकि यहां आने वाले लोग जब वापस जाएं तो वे 2013 की डरावनी यादों की जगह 2016 के खुशनुमा माहौल को अपने दिलों में बसाकर अपने घर वापस पहुंचें। इस समय चार धाम यात्रा चल रही है और लोगों ने इतना विश्वास जताया है कि पिछले जितने भी आंकड़े हैं वो आज आधे में ही पूरे हो चुके हैं, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं और आपके लगभग हम 14 लाख के करीब पहुंच गए हैं। कैसे शुरू हुआ तबाही का मंजर? उस साल मौसम ने उत्तराखंड में अचानक से करवट ली थी। वैसे तो अधिकांश जून महीने में लगातार बारिश शायद ही प्रदेश में कभी हुई होगी, लेकिन उस साल मेघ खूब बरस रहे थे। हमेशा की तरह उस साल भी उत्तराखंड के चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगह भक्तों की भारी भीड़ थी। तेज बारिश से ठीक केदारनाथ के ऊपर बनी झील तेजी से न केवल भरी बल्कि गांधी सरोवर में ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा गिरने से वो अचानक फट गई। झील टूटने से अचानक केदारनाथ पानी पानी होने लगा। दुकान मकान, धर्मशाला, होटल सब धीरे धीरे डूबने लगे। बताया जाता है कि उस रात केदारनाथ धाम में लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की भीड़ जमा थी। पानी के सैलाब को धाम में रुके लोग जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढहने लगी थीं। पानी अपने साथ मलबा और बड़े बड़े पत्थर ला रहा था। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। 40 घंटे बाद पहुंची सरकारी मदद। राजधानी में बैठे नेताओं और अधिकारियों को जब तक वहां के हालातों की खबर लगती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 40 घंटे बाद सरकारी अमला मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। लोगों की लाशें पत्थर हो चुकी थी।
आंकड़ों के मुताबिक लगभग 5000 लोगों ने इस घटना में दम तोड़ा था, लेकिन सरकार इस आंकड़े को 4000 मानती है। ऐसा नहीं है कि पानी के इस दानव ने सिर्फ केदारनाथ को तबाह किया, बल्कि नीचे उतरने के बाद गांव के गांव इस पानी में बह गए। कई हजार लोग बेघर हो गए। सड़कें, स्कूल, बिजली घर, पुल, इस पानी ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और गढ़वाल सहित कुमाऊं से लोगों के मरने और गायब होने की खबर आ रही थी। सेना ने बचाई 1,00,000 से ज्यादा जाने और देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहीं चला। कहा जाता है कि केदारनाथ की तबाही में देश का सबसे बड़ा और कठिन ऑपरेशन चलाया गया था। मुश्किल रास्ते और टूट चुके उत्तराखंड में वायुसेना, SDRF और NDRF सहित तमाम एजेंसियों ने लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया था। लगभग 15 दिन से ज्यादा तक चले इस ऑपरेशन में 1,00,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया था। और ये बचाव कार्य यूं ही नहीं हुआ, इसमें सैनिकों की शहादत भी हुई और कुछ सैनिक कठिन हालातों में काम करते हुए हमेशा के लिए अपाहिज भी हो गए थे। घाटी में आज भी अपनों को तलाश रहे हैं लोग। केदारनाथ की घटना ने देश भर से आए भक्तों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आज भी कई लोग इस आस में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आते हैं कि शायद कहीं घूमते हुए उन्हें अपने मिल जाएं। 4 साल पहले जो भीषण आपदा इस प्रदेश ने झेली, उसका दंश आज भी है। आज भी हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज नहीं मिली है, जो लापता हैं, वो जिंदा हैं, मुर्दा हैं, उनके बारे में आज तक भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तबाही से कितना हुआ नुकसान? इस आपदा में 4,200 गांव से संपर्क टूट गया, जबकि 13 नेशनल हाईवे पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे, 35 राज्य सड़कें खत्म हो गई थी, तो 2,385 जिला और ग्रामीण सड़कें भी आपदा की भेंट चढ़ गईं। पानी के सैलाब से 172 पुल तबाह हो गए थे। 4 सालों में सरकार ने अब तक 215 सड़कों के निर्माण के लिए 726 करोड़ 71,00,000 रुपए जारी किए हैं और 26 पुल भी बनकर तैयार हैं। इस आपदा में 9,00,000 लोग प्रभावित हुए थे, साथ ही 3,320 घर बहे और टूट गए थे, जिनमें सरकार अब तक 2,499 घरों का निर्माण करवा चुकी है। आपदा से सरकार ने क्या लिया सबक? इतनी बड़ी आपदा के बाद सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से कई तरह के नए काम किए गए हैं। सरकार की तरफ से डिजिटल डाटा बैंक बनाया गया है, जिसमें संवेदनशील इलाकों की जानकारी होती है। नदियों का रुख जानने के लिए अलग से बजट जारी किया गया है। वहीं 450 संवेदनशील गांव का सर्वे करवाया गया है। देखिए, इस बार हमने, चाहे मौसम विज्ञान है, चाहे अपना पर्यावरण मंत्रालय है, सबको एक दूसरे से लिंकअप करके ये कहा है कि 3 दिन पहले हमको पता रहना चाहिए कि मौसम कहाँ कितना खराब होने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है, और इसलिए हमने पूरे इंतजाम वहाँ किए हैं। इतनी बड़ी आपदा के बाद केदारनाथ फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन इस तबाही को जिसने अपनी आंखों से देखा, वो इस तबाही का मंजर कभी नहीं भूल पाएगा। देहरादून से कुलदीप रावत, पंजाब केसरी TV।